दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का लगता है, क्यों आसमां। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, अपनी माँ को धमकी दे रहे हो। अभी अभी पानी पीजिए। डॉक्टर रैबर की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या हार्ट अटैक उन्हें तुम्हारी वजह से है। और अगर तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे ना, तो मैं जुनैद को सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी क्या तुम उसे? यही कि तुम मुझे चाहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरी दोस्त का फोन आ गया था, मैं उससे बात कर रही थी और इन्हें लगा कि मैं शायद किसी लड़के से बात कर रही हूँ। मैं उसे वो सारी खुशियां नहीं दे सकता। इनफैक्ट मैं दुनिया की किसी भी लड़की को वो मोहब्बत वो तवज्जो नहीं दे सकता हूँ जो सिर्फ तुम्हें दे सकता हूँ। प्लीज भूल जाओ, मुझे निकाल दो अपने दिल से। मेरे लिए बहुत मुश्किल है नकी, तुम्हारे ना होने से जिंदगी में एक अजीब बेसुकूनी सी। मैं जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ, सांस तो ले रहा हूँ लेकिन रूह कहीं और भटक रही है मेरी। सब कुछ होने के बावजूद नामुकम्मल सी मेरी जिंदगी। भाई आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ये बात मैं फोन पे नहीं बता सकती, आपकी बीवी के सामने ही बात होगी। अब बहुत बार कोशिश की मैंने कि मैं तुम्हें अपने जहन से निकालूं लेकिन नाकाम हो जाता हूं मैं। मेरा दिल तुम्हारी तरफ हमेशा खिंचता चला जाता है, मैं क्या करूं? काश तुमसे दोबारा सामना ना, शायद मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार लेता, लेकिन अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये सब कुछ बेकार की बात है, मैंने भी तुम्हें भूलने की कोशिश की थी। स्टार्ट में ये सब कुछ मुश्किल था लेकिन जुनैद की मोहब्बत की वजह से मैं उनकी तरफ मायल हो गई थी। जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ती है। तुम चाहती क्या? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम ये शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक ना हुआ तो? खैर, जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेता तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि तुम मुझसे मिलती रहोगी। तुम्हें समझा कर मैं सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही हूँ। नकीन प्लीज बैठ जाओ, ऐसे भी काफी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, प्लीज। अच्छा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन इस दौरान तुम अपना नंबर चेंज नहीं करोगी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? मैं तंग आ गई हूँ सबसे। मैं जुनैद की नजरों में अपने लिए शक नहीं देख सकती, धोखा नहीं दे सकती उन्हें मैं। धोखा तो तुम उसे दे रही हो। तुम आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी, बस कहने से डरती हो। मोहब्बत मोहब्बत तो दूर की बात, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए हमदर्दी थी ना, वो भी कब की खत्म हो चुकी है। तुम इस लायक ही नहीं। आज मुझे मामू की कई सब बातें याद आ रही, उनकी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक थी। जो इंसान अपनी सगी माँ के साथ मुखलिस नहीं है, वो मेरे साथ क्या मुखलिस होगा। नगीन नगीन प्लीज रुक जाओ। जानती थी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों की तस्वीर ली है। मैं अभी दिखाती हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है तस्वीर दिखाने की, मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है और मैं तुमसे हजार दफा कह चुका हूं कि ये देखें अब भी यकीन है आपको नगीन पे? ये लड़की आपको धोखा दे रही है, मुझे तो इस पे पहले से शक था। शादी के बाद से आपके साथ इसका सर्द रवैया देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि ये खुश नहीं है। शादी के बाद वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, इसकी वजह ये नहीं जो तुम समझ रही हो। For God's sake, भाई अपनी आंखें खोलें। आपकी बीवी एक गैर शख्स के साथ खुलेआम घूम रही है, वो दोनों आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और आपका दोस्त उसने आपकी पीठ पे खंजर घोंपा है। जिस नाकाम मोहब्बत के किस्से वो सुना रहा था ना, वो मोहब्बत उसे किसी और से नहीं नगीन से थी।
अस्सलाम वालेकुम, आज आप घर जल्दी आ गए। ये देखने आए कि इनकी गैर मौजूदगी में इनकी बीवी कहाँ घूमती फिर रही है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ज्यादा बनो नहीं, तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे मक्कार चेहरे को मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। चुप नहीं हो सकती तुम? मुझे बात करने दो। आप क्या बात करेंगे भाई, इससे आज मैं बात करूंगी। सच सच बताओ, कहां से आ रही हो? मैं मार्केट गई थी, वहां मुझे डॉक्टर अहमद मिल गए थे। उन्होंने कॉफी की ऑफर की तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, इसी बहाने फारिया के बारे में बात कर लूंगी। से किसने कहा था कि उनसे तुम बात कर? मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मैं जानती हूँ कि आप उनसे बात करने में झिझक रहे थे, इसीलिए सोचा कि मैं बात कर लेती हूँ। उसने क्या कहा? थोड़ा वक्त मांगा है, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इस बारे में। झूठ बोल रही है ये भाई, छुप छुप के उससे जाके मिलती है और अब पारिया का बहाना कर रही है। बस बहुत हो गया, आइंदा तुमने मेरी बीवी पे इल्जाम तराशी की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। माफी मांगो इससे, माफी मांगो इससे, मैं क्या कह रहा हूं। माफी और इससे कभी नहीं। क्यों फोन नहीं उठा रही? अगेन मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं समरा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने उससे कहा कि वो तुमसे माफी मांगे, चली गई। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो आप पर फख्र है। कभी कभी आप मुझे इंसान नहीं फरिश्ता लगते हैं, इतना एतबार जो करते हैं मुझ पर। अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता तो वो तस्वीर देख कर ज़रूर शक करता मुझ पर कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगेन मैं तुम पर शक करने का सोच भी नहीं सकता, अंधा एतमाद करता हूँ मैं तुम पर। भरोसा और यकीन एक मजबूत रिश्ते की जमानत होता है, पर हमारा ताल्लुक इतना कमजोर इतना कच्चा नहीं है कि मैं किसी की बातों पर आकर ये रिश्ता खत्म कर दूं। समरा नाराज होकर गई है, वो बड़ी है मुझसे, मैं आज भी उनकी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी पहले करती थी। आप प्लीज इन्हें मना कर वापस ले आइए। हरगिज नहीं, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है और जब तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे इतनी नेगेटिव क्यों है। तुम्हारी जुदाई ने जो मेरे अंदर खला छोड़ दी थी उस खला को अब सिर्फ और सिर्फ तुम पूरा करोगे। माफी माय फुट, अगर वो सच्ची भी हुई ना तो भी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। भाभी क्या पता वो सच कह रही हो, तुम भी जुनैद भाई की तरह मुझे ही गलत समझ रही हो। मैं उस पे बिला वजह शक नहीं कर रही और ना ही उस रेस्टोरेंट वाली मुलाकात को जवाब बनाकर कोई इशू खड़ा कर रही हूँ। इससे पहले भी वो अपनी दोस्त से मिलने के बहाने से कई बार उससे मिलती रही है। एक बार तो रात के 12 बजे वो उसे ड्रॉप करने आया था। हाँ मगर उस दिन तो उसकी सहेली की गाड़ी खराब हो गई थी ना, आपने खुद बताया था। भाभी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उसे पसंद करता है। अहमर की आंखों में नगीन के लिए पसंदीदगी मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर ली थी और नगीन को भी कई मर्तबा फोन पर चोरी छुपे बात करते देखा है मैंने। उन दोनों का रेस्टोरेंट में मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। ओके, जस्ट इमेजिन, अहमर जैसा स्मार्ट और अच्छी पर्सनालिटी का लड़का एक शादीशुदा औरत से अफेयर क्यों चलाएगा? अहमर को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है ना, और ऐसे लड़कों के पीछे तो लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह भिन भिन आती हैं। खैर ये सब मैं नहीं जानती,
मगर इस बात का जिक्र तुम अपने भाई से मत करना। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली का कोई वीक पॉइंट उसके हाथ लगे और वो बिला वजह मुझे ताने देता रहे। कम ऑन भाभी, मैं क्यों आपके घर के सीक्रेट्स बाहर निकालूंगी? जस्ट डोंट वरी। वैसे अहमर का जवाब क्या होगा? एनी आइडिया? वो मानेगा या नहीं? मैं नहीं जानती और ना ही मैं अब इस मामले में पढ़ना चाहती हूँ। आज हादी के स्कूल में मीटिंग है, आप चलेंगे? मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? मैं हादी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। जिस तरीके से तुम हादी का ख्याल रख रही हो, उसकी पढ़ाई का, उसकी चीज़ों का, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और वैसे भी आजकल ऑफिस में इतना काम है कि मैं तो टाइम ही नहीं निकाल सकता। अब घर की हादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज के बाद से समरा मदाखलत नहीं करेगी तुम्हारे कामों में। ओके बाय। हेलो हेलो, सही कोई बोल नहीं रहा? ओके वापस। हेलो हेलो, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मेरा मोबाइल अब तुम्हें ऑफ ही मिलेगा। और अगर तुमने लैंडलाइन पे कॉल करना बंद नहीं किया ना, तो मैं इसकी भी तार काट दूंगी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? ना कि अपने वादे से तुम पीछे हट रही? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। और अहमर बस कर दो, मैं तुम्हारा पागलपन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल समरा ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया, उन्हें ये कहकर मुतमईन किया मैंने कि मैं तुम्हारे और फारिया के रिश्ते की बात करने गई थी। अगर जुनेद तुमसे पूछे तो तुम भी प्लीज यही कहना। अच्छा, और अगर मैं उसे हकीकत बता दूं तो? कौन सी हकीकत, क्या बताओगे तुम? तुम्हें ये सब कुछ करके भी ना कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर जुनेद मुझे छोड़ भी देंगे ना, तो मैं अकेले जिंदगी गुजार लूंगी, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, समझे तुम? हेलो, इतनी देर से घंटी बज रही है, मचा ले के आकर देख ले दरवाजे पर। कहाँ रह गई थी तुम? एक हफ्ते के बाद आई हो काम पर? आपकी बहू ने मना किया था आने से। सुहाना ने? लेकिन क्यों? कह रही थी कि मैं एक हफ्ते के लिए मैके जा रही हूँ, वापस आकर बुलवा लूंगी। आज फोन किया तो मैं आ गई। क्या? अरे रशीदा, अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो आके अंदर मशीन लगा लो, उसके बाद और भी काम करना है, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। चलो आओ। देख लिया आपने बहू को? मैं के जाते ही मुलाजमों को छुट्टी दे दी उसने, और ये हरकत उसने सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए की है। मैं तो कब से चाहती थी उसको मैं के भेज दूं, सिर्फ आपकी वजह से खामोश बैठी हुई हूं। बहू की हरकत मुझे भी अच्छी नहीं लगी। ये सरासर बदतमीजी है। और हमारे बेटे रोहाब ने भी बीवी की तरफ से आंखें बंद कर रखी है, खुली छूट दे रखी है उसने बीवी को। अरे उसने तो उल्लू का गोश्त खिला दिया है रोहाब को, आंखों पे पट्टी बांध दी है। और आप तो जानते ही हैं कि उसकी माँ का खानदान मशहूर है जादू टोने करवाने में। ये सब जानते हुए तुमने रोहाब का रिश्ता ऐसे खानदान में करवाया? अब बुक तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और अगर आइंदा मुझे फोन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ? जुनेद बात कर रहा हूँ। आप? तुम्हारा मोबाइल ऑफ था तो इसलिए मैंने घर के नंबर पे फोन कर दिया। तुम किसे डांट रही थी? कौन तंग कर रहा है तुम्हें? वो पता नहीं सुबह से बार बार फोन करके कौन तंग कर रहा है। आप फिक्र ना करें। तुम्हें कोई क्रैंक कॉल्स कर रहा है और मैं फिक्र ना करूं? आप रहने देना, क्या करेंगे? नंबर दो मुझे, कौन से नंबर से आ रही? पता करूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा किसी को तंग नहीं करेगा। जुनेद, इसकी जरूरत नहीं है, इतनी सी बात पर किसी को क्या सबक सिखाना। वैसे भी
घरों में ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। Are you sure it's okay? जी आप फिक्र नहीं करें। अच्छा छोड़ो, जी बताओ हादी की टीचर ने क्या कहा? देखो बेटा, ये रोज रोज बहू की शिकायत लेकर बैठना खुद मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, गलती तुम्हारी माँ की होती है तो मैं ऐसे भी टोक देता हूँ, लेकिन इस बार गलती सुहाना की है। अपनी गैर मौजूदगी में मुलाजमा को छुट्टी देकर वो क्या साबित करना चाहती है? यही कि ये घर हमारे बेटे के पैसों से नहीं, उसके शौहर के पैसों से चलता है। प्लीज एक मिनट खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना तुझे। देखा बुआ आपने, अम्मी का यही रवैया सुहाना को ये सब करने पर मजबूर कर देता है। ये उसकी हर बात पर चिढ़ती, उसके बनाए हुए खानों में 100 तरह के ऐब निकालती, मुलाजमा से भी इजाफी काम करवाती हैं और उसे बात बात पर टोकती भी हैं। ऐसा कौन सा मैंने इजाफी काम करवा लिया उससे? अच्छा, सुहाना बता रही थी कि आप मुलाजमा से दो दो घंटे अपने पैर तपवाते हैं। आपकी खिदमतें करने के चक्कर में घर के सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। मुलाजमा की तनख्वाह उसके मैके से नहीं आती जो वो इस तरह इतराज कर रही है। पैसे दरख्तों पर भी नहीं लगते हैं, मेरे पास मुलाजमा को इजाफी पैसे देने के लिए एक ढेला भी नहीं है। और अबू आप प्लीज, आप इन तमाम मामलात में अम्मी की हिमायत मत किया करें। आप तो अच्छी तरह जानते हैं इनकी फितरत को। याद नहीं आपको नगीन से कैसे मशीन की तरह काम करवाती थी? लो अब ये नगीन बीच में कहां से आ गई? नगीन नहीं है इसलिए आप सुहाना के साथ वही जातियां कर रही हैं। अबू आप प्लीज अम्मी को समझा दीजिए कि सुहाना के मामलात में मुदाखलत ना किया करें। मैं आज से महीने के अखराजात सुहाना के हाथ में सौंप रहा हूँ। अम्मी को ब्रेस्ट करना चाहिए, घर के मामलात में मुदाखलत करके बिला वजह अपने ब्लड प्रेशर को हाई करती है। मैं अब इस घर में और बदमजगी नहीं चाहता। देखा मिस्टर डेल ने कैसा बदजन कर दिया मेरे बेटे को मुझसे। अरे एक ही तो बेटा है मेरा, वो भी बीवी का होकर रहेगी, कैसे खरी खरी सुना कर गया मुझे। बखरा सब्र करो। नहीं होता मुझसे सब्र। ये घर मेरा है और इस घर में उस चुड़ैल की हुक्मरानी किसी सूरत नहीं चलने दूंगी। बड़ी आई घर के अखराजात संभालने वाली। तुम्हारा फोन ऑफ है, खैरियत? जी बस एक दो दिन में नंबर भी चेंज कर लूंगी। ओके, वो रॉन्ग नंबर तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? रॉन्ग नंबर? मैं जो तुम्हें फोन कर रहा था। अब नहीं नहीं, दोबारा कॉल नहीं आई। गुड। अहमर की तुम्हारे से कोई बात तो नहीं फारिया के हवाले से? नहीं, मेरी कोई भी बात नहीं हुई। हाँ, मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है। मेरे ख्याल में वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि फारिया पसंद नहीं आई। तुम भी उससे इस मौजू पे कोई बात नहीं करना। जी कोई बात नहीं करूंगी। मैं भी आती हूँ। ओके। ओके रेडी। ये मैं जीत गया, आप हार गई। ऐसे कैसे हार गई? नहीं आज मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, आप बॉलिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी मेरी बैटिंग बाकी है। ओके आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुनैद घर पर नहीं है। मैं यहाँ जुनैद से मिलने आया, बल्कि तुम्हें देखने आया। प्लीज यहाँ पर कोई और तमाशा खड़ा मत करना। अंकल बाबा तो ऑफिस गए हुए हैं। तो बेटा मैं आपके बाबा से थोड़ी मिलने आया, बल्कि आपसे मिलने आया। आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? क्रिकेट श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त, मैं बैटिंग करूंगा और आपकी मामा बॉलिंग करेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा? आप फील्डिंग करना। आई हेट फील्डिंग। नो अंकल। हादी मैंने कहा ना आपको, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश गो। क्यों आया तुम यहाँ पर? तुम मुझे जितना अवॉइड करोगी नगीन, मैं उतना ही तुम्हारे सामने आके तुम्हें तंग करता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर इसी में कि तुम अपना मोबाइल और मुझसे पहले की तरह रابطے में। धमकियां दे रहे,
और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी। मेरा मोबाइल हमेशा ही ऑफ रहेगा। तुम चाहती थी ना नगीन के मैं शादी कर, मैं शादी करने के लिए तैयार। मैं सच कह रहा हूं, फारिया से शादी करने के लिए मैं तैयार। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम सच कह रही हो? कहा तो वो शादी के लिए राजी नहीं था और तुम्हारे कहने पे एकदम राजी हो गया। मुझे तो खुद हैरत हो रही है। खैर आप जल्दी से गजनफर भाई से बात करें। अरे पहले मैं अहमद से तो बात कर लूं। चुपके चुपके तुम्हारे साथ सारे मामला तय कर लिए और मुझे भिनक तक नहीं पड़ने। मैं तो उससे बात करता हूँ। बाय। जो काम आप नहीं कर सकी वो आपकी भाभी ने कर दिया। अब सारा क्रेडिट उसे तो मत दो। तुम्हारी और अहमर की बात सबसे पहले मैंने ही जुनेद भाई के कान में डाली थी। हाँ मगर अहमर से बात जुनेद ने तो नहीं की ना, आपकी भाभी ने की है, तो क्रेडिट देना तो बनता है। वैसे वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। अब देखें ना, मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती लेकिन फिर भी उसने मेरी खातिर अहमर से बात की है। मेरे सामने उसके कसीदे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। भाभी आप खामा खां उससे चिढ़ते हैं, एटलीस्ट अब तो अपना दिल साफ कर लो। अच्छा नहीं करती मैं उसकी बात। आज रात को जुनैद भाई अहमर और उसकी बहन को लेकर आ रहे हैं, चाय पर ज़रा अच्छा इंतज़ाम कर लेना। चाय क्यों, डिनर की तैयारी करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आज पहली बार वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। अभी से उनके सामने बैठ जाएंगे तो उन्हें लगेगा लड़की देने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम वैसे ही करो जैसा मैं कहती हूँ। ओके एज यू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भी? तो दोनों की बात तय हो गई, इंशाल्लाह इस वीकेंड बड़ी सादगी के साथ मंगनी हो जाएगी और 3 महीने बाद शादी। ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो। समरा अपनी हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है। तुम नहीं गई तो वो समझी कि तुमने उसे माफ नहीं किया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात तो है, मैं ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अहमर से बात नहीं करती तो कभी भी राजी नहीं होता। तो पता है वो पूछ रहा था कि तुम क्यों नहीं आई। मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अहमर को बहुत पड़ता है, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चलो आज तुम नहीं गए, मगर वो चाहता है कि उसकी मंगनी से लेकर शादी तक की तैयारी सिर्फ तुम करो। कल तुम उसके साथ चले जाना और फारिया का अंगूठी पसंद कर लेना और शादी का जोड़ा। मैं क्यों करूंगी? अहमर के लिए शॉपिंग उसकी फैमिली कर सकती है। नहीं, ये अहमर की ख्वाहिश है और उसने खास तौर से कहा है कि मंगनी से लेकर शादी तक की तैयारी सिर्फ और सिर्फ तुम करोगी। ऐसा अहमर ने कहा आपसे? हाँ उसी ने कहा है और इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। जो तुम चाहती थी नगीन वो तो हो गया। अब मूड किस बात पर ऑफ है तुम्हारा? फारिया से अचानक शादी का फैसला कैसे कर लिया तुमने? तुम तो शादी नहीं करना चाहते, फिर अचानक शादी का फैसला तुम्हारे कहने पे। तुम्हारा हुक्म टाल सकता हूँ कभी? अच्छा बाबा वैसे तो मत देखो, बड़ी मुश्किल से इस दिल को राजी किया है, कहीं कहीं पलट ना जाए। फजूल बातें मत कर। अच्छा ना कि सच सच बताऊं कि ये शादी क्यों कर? तुम्हारे करीब रहने के लिए। तुमसे बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो मैंने सोचा तुम्हारी ये शर्त मान लेता। क्या पता शर्त मानने के बाद तुम्हारा दिल मेरे लिए थोड़ा नरम हो जाए और तुम मुझे पहले की तरह टाइम दे। ऑनेस्टली इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी, मेरी तवज्जो हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। तुम फारिया की जिंदगी से कैसे खेल सकते हो? ये तुम्हारी ख्वाहिश थी नगीन जो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा
मूड तो ठीक कर लो तुम अपना। आज तुम मेरे साथ, हम शॉपिंग करेंगे, लंच करेंगे, और ये बताओ कि रिंग कहाँ से? आपने समरा की नंदोई को देखा? हाँ, लड़का डॉक्टर है, जुनेद भाई ने करवाया रिश्ता। अच्छा तो है वैसे, लेकिन मुझे खुश नहीं लग रहा था वो। तुम अपनी तरफ से अंदाजे लगाना छोड़ दो। रहने दे, मेरे अंदाजे हमेशा दुरुस्त साबित होते। कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ था। अलबत्ता फारिया तो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? तुम्हें क्या लेना देना नाम से? आपने गौर से देखा था उस लड़के को? उसका चेहरा बिल्कुल उस लड़के की तरह था जिसको हमने उस दिन नगीन के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा था। मुझे ऐसा नहीं लगा, और वैसे भी उस लड़के को मैंने इतनी गौर से नहीं देखा था। वैसे गौर से तो मैंने भी नहीं देखा उसे रोहाब, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों मुआवजा करिए दोनों का? अपने काम से काम रखो और जाके चाय बनाओ मेरे लिए कप। एक तो आप और आपकी बेवक की चाय। अच्छा लेकिन सच सच बताऊं कि ये शादी क्यों? तुम्हारे करीब रहने के लिए। तुमसे बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो मैंने सोचा तुम्हारी ये शर्त मान लेता हूं। भाभी, पूरा एक हफ्ता हो गया है मंगनी को, लेकिन अहमर ने एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन नहीं किया। तो ठीक है ना, शादी से पहले फ़ोन पे बात करना या मिलना सही नहीं होता। ये क्या लॉजिक हुई? आजकल के दौर में शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप और भाई भी तो शादी से पहले बात किया करते थे, इनफैक्ट आप दोनों तो मिला करते थे। फारिया, हमारी बात और थी, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, लव मैरिज थी हमारी। भाभी मुझे नहीं पता, प्लीज कुछ भी करके आप एक दफा मेरी अहमर से बात करा दें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे बात कराऊं? तो फिर मैं खुद फोन कर लूं? तुम खुद फोन करते अच्छी लगोगी, थोड़ा वेट करो, हो सकता है वो खुद ही पहल कर ले। रहने दें भाभी, अगर उसने पहल करनी होती ना तो वो कब का फोन कर चुका होता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इन मामलात में लड़कियां पहल करती अच्छी नहीं लगती, मगर मैं जानती हूँ तुमसे सब्र नहीं होगा। करो जो करना है, बस जरा एहतियात से बात करना, ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। Come on भाभी, मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी हूँ। हेलो, फारिया बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? फारिया बात कर रही हूँ जी, मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बोर हो रही थी तो सोचा कि आपसे बात कर लूँ। एक्चुअली फारिया, मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते वक्त मैं फ़ोन को अवॉइड करता हूँ। आई एम सो सॉरी, चलें फिर हम बाद में बात करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि आज शाम को मिलते हैं, आप घर आ जाएं या कहीं बाहर चलते हैं। तो आप आज मिलना चाह रही हैं मुझसे? हाँ, मिलना चाह रही थी, 3 माह बाद शादी है हमारी, और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती सिवाय इसके कि आप जुनेद भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं और एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर हम मिलेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा ना। ठीक है फारिया, मैं आपको इस बारे में सोच कर जवाब दे दूँ, खुदा हाफिज़। हेल, सोच कर बताऊंगा। What the hell does he think of himself? समझता क्या है अपने आप को?
क्या हुआ? अहमर से बात हुई है मेरी। अच्छा, क्या बात हुई? मिलने का कहा उसने? मिलने का उसने नहीं, मैंने कहा था उससे, लेकिन उसने बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? मगर क्यों? साफ जाहिर है भाभी, उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश ही नहीं है। देखा नहीं था आपने, मंगनी वाले रोज भी वो किस तरह मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो, मंगनी कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाई है, उसकी मर्जी से रिश्ता तय हुआ है। अगर उसकी मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है तो किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है वो मुझे? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है? गिव मी अ ब्रेक भाभी। मैंने तो सोच लिया जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं खाना यहीं खाया करता हूँ। बिल्कुल खाओ, तुम्हारा अपना घर है यार। वैसे खाना फारिया भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, लेकिन जो जायका भाभी के हाथों में, वो किसी और के हाथों में कहाँ जाए। अच्छा ये बताओ, शादी बहुत करीब आ रही है, कोई तैयारी वारियाँ शुरू हुई कि नहीं? क्या करूँ, तुम जानते हो कि कामों में कितना मसरूफ रहता हूँ, इस काम के लिए वक्त ही नहीं। इनफैक्ट अगर बहन यहाँ होती तो मुझे इन सारे कामों में हेल्प ज़रूर करती। नगीन की भी चॉइस बहुत अच्छी है, इसके साथ क्यों नहीं चले जाते? नहीं, मेरे पास वक्त कहाँ है, हादी के पेपर्स शुरू होने वाले हैं। हादी के पेपर्स? अभी तो बड़ा वक्त है उसमें। तो बेटा, तो फिर कल से शॉपिंग शुरू करते हैं, क्या ख्याल है आपका भाभी? कितने दिन बाद नानू के घर जाने हैं ना, कितना मजा आएगा। हम लोग वहाँ कितने दिन रहेंगे? जब तक आपका दिल करे। हम लोग वहाँ बहुत दिनों के लिए रह सकते हैं। क्यों नहीं, कितना मजा आएगा ना। मैं अली भाई के साथ रोज क्रिकेट खेला करूँगा छत पे, और नाना मुझे रोज स्टोरी सुनाया करेंगे। अच्छा ठीक है, आप चलें, ड्राइवर वेट कर रहा है। रुखसाना, रुखसाना। जी बीबी जी। हम मामू की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। जुनैद को मैंने बता दिया, प्लीज़ घर का ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये प्लीज़ ले जाइए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो मैं शॉपिंग पे जा रहा था, सोचा आपको पिक कर लेता हूँ। मैं हादी को लेकर मामू की तरफ जा रही हूँ। मामू के घर तो चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्राइवर है, हम उसी के साथ जाएंगे। मामा प्लीज अंकल के साथ चलते हैं ना। अब तो हादी भी जिद कर रहे हैं, अब तो मान जाएंगे। ठीक है चलें। आओ हादी बेटा, आज हम आपको लाएंगे। अंकल आपको पता है, जब मेरी मामा नाना के घर रहती थी ना, तो हम लोग उनसे रोज मिलने जाते थे। जब से मेरी मामा हमारे घर रहने लगी तो हम लोग नानों के घर जाते ही नहीं हैं। आज ना हम लोग बहुत दिनों बाद नाना के घर जा रहे हैं। ओह, तभी आप इतना खुश नजर आ रहे हैं। यस, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम मुझसे भागकर वहाँ जाना चाहते हो? तुम्हें तो मेरी शादी की शॉपिंग करनी थी। हादी बेटा किस तरफ जाना है?
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम मेरे स्पाइडरमैन, कैसे हो? कैसे याद आ गई नाना की? ठीक, मैंने मामू से कहा है कि हम लोग आपके घर बहुत दिनों के लिए रहेंगे आपके साथ। ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, नानी भी तुम्हें याद कर रही थी। बैठो मेरे पास बैठो। बाखरा देखो कौन आया है। बाखरा। अस्सलाम वालेकुम जान। अरे मेरा बच्चा आया है, आओ मेरे पास। जाओ जाओ। इतने दिनों के बाद तुम्हें नाना नानी की याद आई है, तुम तो भूल ही गए वहां जाके हमें। नगीन ने सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ मैं। आज तुम्हें यहाँ आने की कैसे फुर्सत मिल गई? बस शादी की पढ़ाई और जुनेद की मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा अब इस गरीब खाने पे दिल नहीं लगता? जाहिर है वहाँ जो तुम्हारे ठाट हैं, दस दस नौकर आगे पीछे फिरते हैं, यहाँ अब क्यों आओगी तुम? क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? हर सच्ची बात आपको फजूल ही लगती है। अच्छा रहने दो इन बातों को, सुहाना से कहो कि खाने का इंतजाम करे। मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद घर आई है, इसकी तो मेहमानों की तरह खातिर मदारात करेंगे हम। मामू इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपना घर है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, मगर सच तो ये है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, और जब भी माँ बाप के पास आती हैं तो उनकी मेहमानों की तरह ही खातिर मदारात करनी पड़ती है। अगर आप मेरे साथ मेहमानों वाला बर्ताव करेंगे तो मैं भी मेहमान बनकर आया करूँगी, यहाँ रहने नहीं आया करूँगी। लो ये क्या बात हुई? मामू क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, घर में जो भी बना हुआ है हम खा लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन तुम भी तो तकल्लुफ कर रही हो, मेहमानों की तरह खड़ी हो। बैठो मेरे पास। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ, बस बन गई। अच्छा फिर मैं कब से खा देती हूँ। नगीन जी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? जो अभी आया था तुम्हें छोड़ने। वो डॉक्टर अहमद है, फारिस से मम्मी भी उनकी। हम आ रहे थे तो वो घर पर आ गए थे, ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया हुआ था, इसलिए वो छोड़ने आ गए। आप चाय बनाइए, मैं मुमानी को देखती। दरअसल मैं अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ, मैं नगीन का हाथ मांगने आई हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाह रही थी। तुम्हें जिसको जो बताना है जाकर बताओ। रुहाब ये वही लड़का है। अगर आपके पास टाइम हो तो एक कप कॉफी हो जाए। आई एम सॉरी फारिया, इस वक्त मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। नकीन मैं ये जो शादी कर रहा हूँ तुम्हारे नज़दीक रहने के लिए कर रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। कब से धोखा दे रही हो तुम जुनैद भाई को? हाँ मैं ऐसा ही हूँ और शादी के बाद भी ऐसा ही रहूँ। तुम्हारे खातिर मैं खुद को बदल नहीं सकता। रिश्तों के कच्चे ट